पहला टॉपिक रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, इस बात को समझना। सपोज करो एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे? ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। ऐसे मान लो एक कार मूव कर रही है सर्कल में, या कोई पत्थर मूव कर रहा है, स्टोन मूव कर रहा है टाइड विद अ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टली, राइट? तो कैसे मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। पर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को यहां से शूट करके या पिक्चर लेके आपको ऐसे दिखाना चाहता हूं, कुछ इस तरीके से, ए ऐसे। तो आप कहोगे तो वर्टिकल हो गया। नहीं, वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल ही है, पर मैंने फोटो ऐसे ली हॉरिजॉन्टल की और ऐसे दिखा दिया आपको। तो प्लीज ये इमेजिन करना कि ये कौन सी मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है, इसका टॉप व्यू है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब इमेजिन करो सैटेलाइट व्यू है एक तरीके से ऊपर का। अब इमेजिन करो कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि देखो एक बॉडी, ये जो कोई भी बॉडी घूम रही है, वो ए से लेके कहाँ पर चली गई? बी पे। मान लो कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी कहाँ से कहाँ चलेगी? ए से लेके बी तक। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहाँ तक ए से बी पे चली गई। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिंपल, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब यहाँ पर दो सेट ऑफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक ये रे और एक ये रे। मैं इनसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये बोलते हैं देखो सर डिस्प्लेसमेंट की बात ऐसी है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर गोल नहीं होता, थोड़ा बी पॉइंट को ना हम थोड़ा और पास ले लेते हैं ऐसे, ये मान लो बी पॉइंट है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो कहते ये डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा यार ये कैसी डिस्प्लेसमेंट है? वो कहते लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी होती है ना। तो मैंने कहा एक्सप्लेन करो। वो कहते देखो हमने सेंटर को ओरिजिन मान लिया। वेक्टर याद करो, वेक्टर का चैप्टर क्या कहता था कि अगर ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो ये वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है। और ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है आर टू वेक्टर। तो एक आर वन वेक्टर, एक आर टू वेक्टर। तो मैंने कहा फिर ये क्या है? वो कहता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। हाँ, मैंने कहा लॉजिक तो सही बोल रहा है, पर लेकिन ये लॉजिक तब चलेगा जब पॉइंट्स काफ़ी क्लोज होंगे, क्योंकि दूर होंगे तो वेक्टर टेढ़ा नहीं जाएगा, पास होंगे तो हल्का सा ऐसा पॉइंट सीधा जा सकता है, राइट? फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये लोग क्या बोलते हैं कि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और ये इन्होंने मुझे कौन सी डिस्प्लेसमेंट दी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कौन सी डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट दी। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा, भाई तुम बताओ, ये कहते हैं सर हमें तो ऐसा सिखाया ही नहीं, हमें तो ये बताया है कि भाई अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो ये डिस्प्लेसमेंट ले लो। कौन सी? डेल्टा थीटा। उन्होंने मुझे कौन सी डिस्प्लेसमेंट बताई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात तो दोनों सही कर रहे हैं, यानी कि एट अ टाइम इकट्ठी दो दो चीज़ें कवर हो रही हैं, दो दो पॉइंट ऑफ व्यू में दो दो डिस्प्लेसमेंट इकट्ठी कवर हो रही हैं, लीनियर भी हो रही है और एंगुलर भी हो रही है, सही है? तो जब मैंने लीनियर वालों से पूछा कि तुम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा वेलोसिटी। हाँ सही है, लीनियर वेलोसिटी को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करके वेलोसिटी। मैंने कहा वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? तो बोलते हैं देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, काम करो यहाँ पर, क्योंकि ये वेक्टर स्ट्रेट है तो ड्रॉ अ टेंजेंट, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। फिर मैंने कहा यहाँ पर, वो कहते ड्रॉ अ टेंजेंट वेलोसिटी वेक्टर। मैंने कहा यहाँ पर डॉट ड्रॉ अ टेंजेंट। मैंने कहा वो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जो इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर, वो हमेशा टेंजेंशियल है ना, क्योंकि पार्ट ऑफ सर्कल है, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर इसके अलोंग ही होगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो आपने देखा भी होगा जब कोई बॉडी सर्कल में घूमती है हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू रिप्रेजेंट दी वेलोसिटी वेक्टर। वो टेंजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप टेंजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत छोटा स्ट्रेट होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फिर मैंने आप लोगों से पूछा, भाई ये तुम बताओ तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये कहते हैं डेल्टा थीटा। मैंने कहा डेल्टा डी से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? ओमेगा। तो ओमेगा आ गया। तो मैंने कहा ये तो कमाल हो गई, यानी कि बॉडी के पास दो दो वेलोसिटीज हैं। बिल्कुल सही, बॉडी के पास वी भी है और बॉडी के पास साइमल्टेनियसली ओमेगा भी है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप वी में काम करना चाहते हो या फिर आप ओमेगा में काम करना चाहते हो, यानी कि आप दो मोशन इकट्ठी चलेंगी, लीनियर भी चलेगी और साथ में एंगुलर भी चलेगी। आप किस पे काम करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पूछने वाले पे डिपेंड करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि अगर मैं कार चला रहा हूँ एक राउंड बाउट के आसपास, गोल चक्कर कार चला रहा हूँ, यार कार की स्पीड तो वी रहेगी ना, वो ये तो नहीं होगा कि सर्कल में अगर मान लो कार चल रही है
तो कार के मीटर ऑटोमेटिकली चेंज हो गए और कार के स्पीडोमीटर चेंज हो गए, दिखाते हैं ओमेगा, सर आपका ओमेगा इतना है, ऐसा होता है कार में? आप अपनी गाड़ियां चलाते हैं आपको वी दिखता है ना 60 किलोमीटर पर आवर, उसमें ओमेगा तो नहीं आ जाता, इसका मतलब वी तो रहेगा। हाँ, ओमेगा आपकी जो है आपकी सोच है कि आप वी के साथ कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, आप ये देखना चाहते हो अगर एक कार यहाँ से यहाँ गई तो उसने सेंटर पे कितना एंगल कवर किया, और सेंटर पे जितना ज़्यादा एंगल कवर करेगी, जितनी जल्दी कवर करेगी ओमेगा उतना ही बड़ा होगा, जल्दी जल्दी अगर मान लो एंगल कवर करेगी तो ओमेगा उतना ही बड़ा होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो वी बड़ा होगा, कार तेज चलेगी तो डेल्टा थीटा भी बड़ा कवर करेगी, कम टाइम में कवर करेगी, अगर वी बड़ा होगा तो ओमेगा भी बड़ा होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो मेरा इस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ाना है, क्या रिलेशन है बिटवीन वी एंड ओमेगा? तो लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में क्या रिलेशन है अगर कोई बॉडी किस में घूम रही है, इन अ सर्कल। तो टॉपिक समझ में आया? कोई डाउट इसमें? देखो ए बी डेल्टा आर क्यों है? ए बी इसलिए डेल्टा आर है क्योंकि आप देखो अगर मान लो कोई बॉडी यहां से यहां गई, ठीक है, तो आप इसको डेल्टा आर नहीं लिख सकते। अच्छा चलो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली, नहीं डायग्राम नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझाता हूं। मान लो मेरे को पंचकुला का या जहां भी मैं पढ़ा रहा हूं इस सिटी का पूरा चक्कर गोल, एक गोल चक्कर काटना है पूरे शहर का, तो कैसे काटूंगा? चलो चलना स्टार्ट करता हूं, यहीं से मुड़ जाऊं? नहीं नहीं, ये तो गोल चक्कर छोटा हो जाएगा थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा सीधा चलना पड़ेगा, फिर कुछ डिस्टेंस के बाद मुझे मुड़ना पड़ेगा। तो जब मैं सीधा चल रहा हूं वो डेल्टा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, समझ में आ रहा है? छोटे चक्कर में दिखेगा नहीं, छोटे चक्कर में जो है राउंड जल्दी हो जाएगा। सोचो बड़ा चक्कर है तो कुछ देर तो सीधा चलोगे ना, फिर मुड़ोगे तो वो डेल्टा आ रहा है। तो छोटे चक्कर में माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाओ, छोटा चक्कर है माइक्रोस्कोप लेके बैठ जाओ तो ये देखो ये डेल्टा आर है, फिर वो मुड़ेगा, फिर अगला डेल्टा आर, ये डेल्टा आर है, अगला डेल्टा आर ऐसे, तो कुछ देर तो स्ट्रेट चलोगे ना, तो ऐसा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो मेरे को इस टॉपिक में क्या निकालना है कि जो लोग वी देख रहे हैं और जो लोग ओमेगा देख रहे हैं दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक? तो इसको करने के लिए पॉइंट नंबर वन हम एक काम करते हैं, फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले तो ये डायग्राम है, तो इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर सपोज करो कि ये इसका पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने बताया, फिर ये इसका पोजीशन वेक्टर जैसे मैंने बताया कि मान लो ए पॉइंट से लेके बॉडी कहां पर आ गई, बी पॉइंट तक आ गई। मुझे एक बात बताओ, ये पोजीशन वेक्टर अगर मैं आर वन वेक्टर लिखता हूं और अगर मैं पोजीशन वेक्टर आर टू वेक्टर लिखता हूं, तो ये बताओ कि R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूं? R। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकता हूं? R। क्यों? इट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। पर फिर मैं ऐसा लिख क्यों रहा हूं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ऐसा क्यों लिख रहा हूं? डायरेक्शन, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, चाहे वैल्यू चेंज नहीं हो रही R की, पर डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर लिखना पड़ रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का R ही है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसका नाम क्या है? डेल्टा R, डेल्टा R। क्या ये पॉइंट क्लियर है? डेल्टा R लिख लिया, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेटली सही है। और ये एंगल कितने है? डेल्टा थीटा, राइट? तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ओमेगा क्या होता है इसमें? ओमेगा, ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा क्या होगा बताओ? ओमेगा इंटू डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर वन। कोई डाउट इसमें? डेफिनेशन है, ओमेगा क्या होता है? एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा क्या होगा? ओमेगा इनटू डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। अच्छा ये बताओ, आपको ये सर्कल का सेक्टर नजर आ रहा है, इस सेक्टर में एंगल इज आर्क डिवाइडेड बाय क्या? रेडियस। समझ में आ रहा है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस,
तो एंगल इसमें कितने हैं? डेल्टा थीटा। आर्क कितने हैं? आर्क में डेल्टा आर का क्या लेना पड़ेगा? मॉड। मॉड का मतलब वैल्यू। डेल्टा आर वेक्टर का मॉड वैल्यू डिवाइडेड बाय रेडियस कितने है इसका? आर। आर मैग्नीट्यूड तो आर ही है, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड बाय रेडियस कितने है? आर। क्या स्टेप क्लियर है? तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। आर्क कितना है? डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, और रेडियस कितना है? आर। तो ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन नंबर टू। दोनों के दोनों इक्वेशंस आपको क्या दे रही हैं? डेल्टा थीटा। इक्वेट कर लो। इक्वेशन नंबर वन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू। तो वन इक्वेशन क्या है? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। और टू इक्वेशन क्या है? डेल्टा आर का मॉड डिवाइडेड बाय आर। इक्वेट कर लिया। एक काम करते हैं, आर और ओमेगा को एक तरफ, डेल्टा आर का मॉड बाय डेल्टा टी एक तरफ। तो यहां से डेल्टा आर का मॉड बाय डेल्टा टी को क्या बोलते हैं? वी। तो वी इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, कि कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रही है और उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी या स्पीड उसकी वी है और घूमने की एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है, तो वी इज ऑलवेज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास वो कहेगा कि एक बॉडी किस में घूम रही है ना, सर्कल घूम रही है। ये देखो सर्कल घूम रही है, पत्थर है, ये स्ट्रिंग है, पत्थर सर्कल में घूम रहा है, तो ये मास एम है, मान लो इसकी वेलोसिटी वी है, राइट, और ये घूम भी रहा है, तो ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन है मान लो 10 रेडियंस पर सेकेंड, और आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है 5 मीटर्स रेडियस की वैल्यू गिवन है, तो आपको पूछेगा वेलोसिटी क्या है इसकी, तो v इज इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। तो r कितना है? 5, वेलोसिटी कितनी है? 10। आंसर क्या आएगा? 50 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 50 मीटर्स पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। v का मतलब क्या होता है? एल टी माइनस वन। आर का मतलब क्या होता है? l, और ओमेगा क्या होता है? 1 बाई टी, एल टी माइनस वन। सेम क्लियर है यहां तक?